रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एल। तो किसी ने कहा कि ये, या पेपर में ये भी आ सकता है, प्रूव करो टॉर्क वेक्टर इज डीएल बाय डीटी। तो एक तरीका जो कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा वो ये कि लीनियर मोशन में एफ क्या होता था, डीपी बाय डीटी, ये रूल था राइट। रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, टॉर्क, डी बाय डीटी ऑफ पी की जगह क्या रिप्लेस होता है, एल। हो गया प्रूफ? नंबर कोई नहीं मिलेगा लेकिन ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है प्रूफ करने का कि जैसे वो वैसे वो कर दो, लेकिन हाँ आपको याद करने का सही तरीका है कि आपको अगर ये फॉर्मूला याद करना है तो इजी हो जाएगा ऐसे याद करना, फोर्स की जगह टॉर्क और पी की जगह एल, डन। तो ये तो बिल्कुल वही बात कर रहा है जो न्यूटन के लॉ ने की थी कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और यही प्रूफ करना है आपके पेपर में, ये दोनों ये चीज प्रूफ करने को आ सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने एल का फॉर्मूला लिख लिया, एल वेक्टर क्या, आर क्रॉस पी, क्लियर है, दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर दिया, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ये भी क्लियर। आप राइट साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है, यू इन टू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे, आप इसमें पहले आर के डिफरेंशिएशन करेंगे क्रॉस पी, ऐसे लिखेंगे, फिर आप आर को बाहर निकालेंगे, पी के डिफरेंशिएशन करेंगे डीपी बाई डी टी, क्लियर है राइट। यू इन टू वी का फॉर्मूला लग गया, डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वी, और डीपी बाई डी टी क्या होता है, फोर्स। अब P क्या होता है, M into V, V cross V एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, आंसर क्या होता है, जीरो, ये तो उड़ गया। और R cross F क्या होता है, टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू DL by DT, प्रूफ हो गया। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक?